जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमर्वयं चकारचण्डतानवं तनोदिना शिव शिवम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। देखिए, जब आप पूजा पाठ में रहते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो जिन भी देवी देवताओं को आप पूजना शुरू करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद देना शुरू करते हैं, उन्हें जल अर्पित करना शुरू करते हैं, तो वो देवी देवता आपके सम्मुख आना शुरू कर देते हैं। हमारे तपोबल बड़ा ना होने के कारण कभी कभी हम उन्हें आभास नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान आते नहीं हैं, लेकिन वो शक्तियाँ आती अवश्य हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा तपोबल बढ़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें अनुभूति उनकी हम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान की ज़्यादा आराधना नहीं करते हैं, मंत्र जप नहीं करते, लेकिन छोटे से ही आपको कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है आपके तपोबल बढ़े होने के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले जन्म का जो तपोबल रहता है, वो आपका इस जन्म में भी आपके साथ में कार्य करता है। तपोबल कभी नष्ट नहीं होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, तो वो जन्म जन्मांतर चलती ही रहती है। हो सकता है इस जन्म में आप इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति के मार्ग पे उतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ा सा ही लगाव है भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी आप भगवान की अनुभूति कर लेते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि आपका तपोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ होता है। लेकिन क्या होता है कि जब तक आप पूजा पाठ के मार्ग पे आते नहीं हैं, तब तक आप उनको संभाल नहीं पाते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होने लगता है कि आपको ही ये सब चीज़ें क्यों दिखती हैं, आपको ही ये सब अनुभूतियाँ क्यों होती हैं। कभी कभी ऐसे भी मन में सवाल आते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि कहीं हम बीमार तो नहीं हैं, कहीं हमारी ये कल्पना तो नहीं है, लेकिन कल्पना नहीं होता, ये सच्चाई होती है। जैसे ही आप किसी मार्गदर्शक के शरण में जाते हैं, जैसे ही आप किसी गुरु के शरण में जाते हैं, तो आपको पता चलने लगता है, या आप जानने लगते हैं, आप समझने लगते हैं कि नहीं, ये शक्तियाँ आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र जप करते हैं, तो अगर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सम्मुख आने लगते हैं, आसन लेने लगते हैं, आपका भोग प्रसाद ग्रहण करने लगते हैं और साक्षात दिखने लगते हैं। जैसे ही आप आँख बंद करेंगे, आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी आभास हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी उनके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी वो ज़्यादा मानते हैं, वो उन्हें दिखना शुरू हो जाते हैं, उनके सम्मुख आते हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, उन्हें अच्छा गलत क्या है वो बताना शुरू कर देते हैं। ये बात अलग है कि जीवन में उनके बदलाव नहीं हो पाता है, उनके जीवन में कष्ट बने रहते हैं, क्योंकि जो इंसान के कर्म होते हैं, उस प्रकार से उसको फल तो मिलता ही मिलता है। कोई भी देवी देवता है, कोई भी शक्ति अगर आपसे जुड़ती है, तो वो भी आपको कुछ ऐसा जीवन में एकदम से बदलाव नहीं करती है, जब तक आप उसके प्रति कुछ कर्म नहीं करते हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए या अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। तो कर्म में बहुत आवश्यक होता है। तो पहली अनुभूति क्या होती है, जब भगवान के अनुभूतियाँ अगर हम देखना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपके मंदिर के आसपास आपको बहुत अच्छी स्मेल आना शुरू होगी, बहुत अच्छी। और ये कई लोगों ने इसका समर्थन किया है, कई लोगों ने अपना अनुभव खुद बताया है कि हाँ ऐसा होता है, मतलब उनको ऐसी स्मेल आती है, ऐसी खुशबू आती है कि जो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा परफ्यूम किसी ने लगा रखा है। इस तरह की स्मेल भगवान के मंदिर के पास में आना शुरू हो जाती है। वो भी तब आती है जब आप वहाँ पर धूप बत्ती नहीं जला रहे होते हैं, या दीप नहीं जला रहे होते हैं, या वहाँ पे कोई पुष्प अर्पित नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी महक आना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस की जैसे महक आती है, उस तरह से कोई सुगंध आना शुरू हो जाती है, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे कोई ना कोई शक्ति निवास करती है या आती जाती रहती है।
तो ये अनुभूति हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे वैसे ही आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि देवी देवता आके आपके सम्मुख बैठ गए हैं। कभी आपको उनके चरण के दर्शन हो जाएंगे, कभी आपको उनके मुख के दर्शन हो जाएंगे, कभी उनकी धुंधली सी तस्वीर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक संकेत होता है कि देवी देवता आ गए हैं आपके सम्मुख। और ऐसा तभी होता है जब आप पूजा पाठ से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं या उन्हें उनका आवाहन करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा जो हमने आपको पहले बताया कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना पूजा पाठ के भी देवी देवता आपको अपने दर्शन कराने लगते हैं या अपनी अनुभूतियां कराने लगते हैं, उसका कारण होता है आपके पिछले जन्म का तपोबल, जो कि आपको ये चीज़ें एकदम से नहीं हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं आपको छोटे से ही अनुभूतियाँ हो रही होती हैं कि कुछ आपको दिखता है, कोई शक्ति आपको दिखती है, कोई शक्ति आपसे बात करने का प्रयास करती है, इस तरह से आपको अनुभव होने लगते हैं छोटे से ही। तो आप समझ जाइएगा कि आपका तपोबल बढ़ा हुआ है और आपको ये आप पिछले जन्म का कैरी हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत स्ट्रांग हैं, एक तो महक आना, दूसरा उनका आभास होना। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो उनका आभास आप करने लगेंगे। रोएं खड़े होना भी इसमें एक शामिल है, जैसे आपके रोएं खड़े होना शुरू, जैसे ही आप बैठेंगे आपके रोएं खड़े होना शुरू हो जाएंगे, आपको ठंड हवा सी महसूस होगी। हम पिछले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि बहुत गर्मी का मौसम होगा, चारों तरफ बिल्कुल हवा नहीं चल रही होगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ठंड हवा सी आपके आसपास गुजर रही है, इस तरह से हवा का झोंका कोई आ रहा है, तो ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। और होता क्या है कि जब भी आप अपने मंदिर में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो अगर आपको देवी देवता दिखने लगते हैं तो उनको आसन ग्रहण करने के लिए कहिए, उनके लिए कुछ आसन जरूर रखिए, आसन पे बिठाइए, कुछ खाने के लिए रखिए, उनके भोग के लिए रखिए, उनको ये कहिए कि आप ये भगवान स्वीकार करिए, उसके जल भी रखिए, जल भी स्वीकार करने के लिए कहिए, और उनसे ये जरूर कहिए कि आपका वो मार्गदर्शन करें, आपको रास्ता दिखाएं। आप उनसे भले ही कुछ ना मांगे, आप उनके दर्शन ही करना चाहते हैं, लेकिन उनसे ये जीवन में जरूर कहें कि भय भगवान मेरा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमको रास्ता दिखाएं। इतना भगवान से आप जरूर कहिए, क्योंकि अगर आप कह नहीं पाएंगे तो आपको वो रास्ता दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं या जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने नियमों में बंधी होती हैं, अपने बंधन में बंधी होती हैं। वो जब तक आप उनसे प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप उन्हें प्रयास नहीं करते हैं प्रसन्न करने का, या ये कहें कि जब तक आप उनकी मंत्रों का जप नहीं करते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो एक तरह से आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने जो नियम होते हैं उस नियम को तोड़ के या बाध्य होके आपको आपके जो तपस्या होती है उसका फल देने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फल अवश्य मिले, क्योंकि आपने कर्म किया, तपस्या करना भी एक कर्म है, अपने आप को कष्ट देना भगवान के प्रति, भगवान के प्रति भाव अच्छा रखना, भगवान को समय देना, तो अगर आप उनके लिए इतना करते हैं तो देवी देवता अपने बंधन को तोड़ के और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाना शुरू कर देते हैं, अपने नियमों से कहीं ना कहीं वो छोड़ के, नियमों को छोड़ के आपके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये तभी होने लगता है जब आप उनसे लगातार जुड़ाव रखते हैं, जब लगातार आप उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसे संकेत आपको मिलने लगते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब वो शक्तियाँ दिखती हैं तो उनको आसन देना बहुत ज़रूरी है, प्रसाद देना बहुत ज़रूरी है, और उनको जल वगैरह दीजिए और उनसे रास्ता मांगिए। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।